बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 के अंदर आज हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम और ब्रेन की एनाटॉमी के बारे में, यानी ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो सबसे पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम पे आते हैं। इससे पहले हमने यानी एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ा, जिसमें हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, सेंट्रलाइज्ड और डिफ्यूज्ड किस्म की, यानी दो किस्में थी, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम और डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। तो जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ये सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है, ठीक है। सेंट्रलाइज से क्या मुराद है कि इसके अंदर आपको प्रॉपर ब्रेन मिलेगा, ठीक है। यानी एक, जिसे हमने कहा था ना, जिस तरह सेरिब्रल पार्ट या इंटीरियर पोर्शन के अंदर आपको एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मिलेगा, ठीक है। यानी जो सब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, फिर उसको एनालाइज करेगा, उसके अगेंस्ट फिर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो ह्यूमन में भी यही सिस्टम है, सही। लेकिन ह्यूमंस के अंदर ये जो नर्वस सिस्टम है इसको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS उसे कहेंगे हम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टैंड फॉर PNS, ठीक। और एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसे हम CNS कहेंगे, सही। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो कि पूरी बॉडी के अंदर फैला होगा, ठीक है, और ये सारी जो स्टिमुलस है, ठीक है, वो पिक करेगा, सही। यानी ये इंफॉर्मेशन को उठाएगा बाहर कहाँ से, सारी बॉडी में फैला होगा, ठीक है। किस तरह फैला होगा वो हम आगे जाके बात करेंगे। जबकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें सिर्फ दो पार्ट्स हैं, वन इज़ ब्रेन, तो आपका जो दिमाग है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है, और अदर वन इज़ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। सो ब्रेन जो कि आपके कह लें कि सर के अंदर मौजूद है, जो आपका सर है, ठीक है, खोपड़ी जिसे कहते हैं, खोपड़ी के अंदर ब्रेन मौजूद होता है, सही। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है, इसमें सब इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ये स्टिमुलस पिक करती है, सिग्नल्स पिक करती है बाहर कह लें कि इन्वायरमेंट में से, सही। ये कर रहा है बोला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये रिसीव एंड प्रोसेस, ठीक है, ये रिसीव भी करता है और उसकी प्रोसेसिंग भी आगे करता है, सही। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सिर्फ क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है, और फिर उसे भेजेगा किस तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, ठीक है। यानी ये स्टिमुलस को रिसीव करेगा एंड सेंड इट टू CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद भेज देगा कि आगे वो उसकी प्रोसेसिंग करे, सही। समटाइम्स, अच्छा, इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी दो टाइप्स हैं, एक है मोटर नर्वस सिस्टम और एक सेंसरी है, ठीक है। मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, यानी मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स के क्या फंक्शन होते हैं बात कर चुके हैं। मतलब जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये CNS से मैसेज लेके आते हैं अफेक्टर्स तक, ठीक है, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, सही। जबकि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स को दूसरा नाम हमने क्या दिया था, रिसेप्टर्स, ठीक है, ये रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन जो सी है वो कहाँ तक लेके जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, सही। कि मोटर न्यूरॉन्स जो से हैं वो इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे फ्रॉम CNS टू अफेक्टर्स, ठीक है, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर जो उसके अफेक्टर्स हैं वहाँ तक लेके जाएंगे। पर सेंसरी न्यूरॉन्स जो से हैं वो सेंसरी ऑर्गन से स्टिमुलस को उठाएंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके आएंगे। अच्छा, अफेक्टर्स में आपको पता होना चाहिए कि जो अफेक्टर्स हैं वो दो ही हैं, मसल्स एंड
ग्लैंड्स, ठीक है जी, मसल्स और ग्लैंड्स तक ये यानी इसको जो भी इंफॉर्मेशन होगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ऑर्डर होगा वो इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, यानी स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस के अगेंस्ट उसका जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा उसके लिए वो उसे यहाँ तक लेके आएंगे, एफेक्ट एक्सेसरी तक लेके आएंगे, सही है। आगे मोटर न्यूरॉन्स के अंदर फिर दो टाइप्स हैं, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सोमैटिक यानी बॉडी के मसल्स वगैरह जिसमें इन्वॉल्व होते हैं ये, यानी इसे आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं इसके अंदर ना, कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट्स और मसल्स। अब आप पूछेंगे कि वॉलेंट्री मूवमेंट कौन सी होती हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट्स वो होती हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, वॉलेंट्री यानी कंट्रोल ऑन विश, ठीक है, जिसे आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कंट्रोल कर सकते हो, मसलन आपने बाजू उठाना है, हाथ फैलाना है, ठीक है, जो काम भी आपने करना है अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ये वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर मसल्स, बॉडी के बहुत से मसल्स होते हैं, ठीक है, वेरियस मसल्स ऑफ द बॉडी, खासतौर पर जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, ठीक है, खासतौर पर स्केलेटल मसल्स जो आपके स्केलेटन के अंदर होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो नर्वस सिस्टम उसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। फिर एक है ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी अभी भी आपकी बॉडी में बहुत से मसल्स ऐसे हैं जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलेंगे, ठीक है, मतलब आपका जो डाइजेशन का अमल है, ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद और आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, निज़ाम के बारे में, तो जो खुराक का हजम होना है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, यानी उसके अंदर एक प्रिस्टालसिस होती है, मसल की मूवमेंट होती है प्रिस्टालसिस, तो वो प्रिस्टालसिस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इस तरह नहीं, कुछ ऐसे नर्वस सिस्टम है जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं ये इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, इट इज़ अबाउट इनवॉलेंट्री एक्शंस जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया, मसलन जो आप खाना खाते हैं, ठीक है, उसकी मूवमेंट, इवन आपके जो दिल की धड़कन है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं दिल की धड़कन रोक लूँ, सही, नहीं रोक सकते आप। इसी तरह कुछ और मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है ना, इसमें भी आगे यानी दो किस्म के आ जाएंगे, हम आगे जाके स्टडी करेंगे वो दो किस्में कौन सी हैं, एक सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक पैरासिम्पथेटिक, सिंपथेटिक, ठीक है, और अदर वन इज पैरासिम्पथेटिक, ठीक है। सिंपथेटिक होता है फाइट एंड फ्लाइट के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट, मतलब जब आपने रेस करनी हो, फॉर एग्जांपल आप दौड़ते हो तेज़ी से, तो आपका क्या होगा, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, सांस की रफ्तार तेज़ हो जाएगी, ठीक है, इसके अलावा आपके बॉडी में एक किस्म की तनाव सा आ जाएगा, ठीक है, वो सारा जो नर्वस सिस्टम है जो उस टाइम कंट्रोल कर रहा हो तो उसे सिंपथेटिक कहते हैं, जो कि पैरासिम्पथेटिक वो नर्वस सिस्टम है जो कि आप जब आराम से सोए हुए हों, ठीक है, सोते हुए जो सा, सिंपथेटिक हम क्या कहेंगे, ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है, जब आप इमरजेंसी कंडीशंस में, उस दूसरे लफ्जों में हम क्या कहेंगे, इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर ये होता है, सही है, मतलब ब्रीथिंग का तेज़ होना, हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, सही है, स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर, या फिर बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक हुई यानी एक्टिविटीज़ कर रहे हो उसके अंदर हो सकता है, सही। दूसरा है यानी ये रेस्ट के दौरान है, ठीक है, रेस्ट, और इस तरह यानी जब आप कोई कह लें कि नॉन स्ट्रेस कंडीशन में हो, बिल्कुल रेस्ट की कंडीशन में, तो उस टाइम जो सा होगा, यानी रेस्ट को दूसरे लफ्ज़ में आप क्या कहेंगे, नॉर्मल कंडीशन जो सी होती है, नॉर्मल कंडीशन में जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा वो पैरासिम्पथेटिक कैटेगरी के अंदर आएगा, सही। इसकी डिटेल हम फर्दर आगे जाके मज़ीद पढ़ेंगे। सो यहाँ तक हमने यानी क्या क्लासिफिकेशन की, सबसे पहले
हमने नर्वस सिस्टम को, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो में डिवाइड किया, पेरिफेरल के अंदर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड. वो हम अभी ब्रेन का भी आज से स्टार्ट लेंगे, स्पाइनल कार्ड हम आगे जाके पढ़ेंगे. फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने देखा जी कि मोटर न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स हैं. ठीक है, और सेंसरी जो से हैं वो सेंस करते हैं रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर लेके जाएंगे. ठीक है, जबकि जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये CNS से अफेक्टर्स तक लेके जाएंगे ताकि उनका रिस्पॉन्स जनरेट हो सके. यानी मोटर न्यूरॉन्स कहते भी उन्हें, उन न्यूरॉन्स को हैं कि जो मैसेज को अफेक्टर्स तक लेके जाएं. फिर हमने देखा कि जी मोटर न्यूरॉन्स की दो टाइप्स थी, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक. कि अगर ये जा रहा है स्केलेटन मसल्स की तरफ जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होगा. अगर वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारी डाइजेशन वगैरह है, तो वो इनवॉलेंट्री उसे हम ऑटोनॉमिक के अंदर डालेंगे. ठीक है, और उसके बाद सिंपथैटिक है. ऑटोनॉमिक के अंदर दो किस्में, सिंपथैटिक जो कि एमरजेंसी कंडीशंस में होता है और पैरासिम्पथैटिक जो कि रेस्ट और नॉर्मल कंडीशंस में होता है. इसी को अगर हम डायग्राम में देखें तो फॉर एग्जांपल ये आपका ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है. ये दोनों किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, CNS के अंदर. ठीक है, इनके ब्रैकेट्स में भी लिखा हुआ है CNS. और फिर नर्व्स हैं, गैंग्लिया है और डाइजेस्टिव ट्रैक. ये सारे आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगे, PNS के अंदर. अच्छा, डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ ENS लिखा हुआ है, तो ये इसे हम इंटायरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं. इंटायरिक नर्वस सिस्टम बेसिकली से अलहदा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये आते हैं आपके ऑटोनोमस के अंदर. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोनोमस फंक्शन, यानी ऑटोनोमिक फंक्शंस के अंदर आते हैं. सही, तो आप ये कहेंगे जी ऑटोनोमस में कौन से हैं, मतलब ये सिंपथैटिक में या पैरासिम्पथैटिक, तो दोनों इसमें अप्लाई होते हैं. मतलब जब इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं तो आपकी डाइजेशन रुक जाती है. ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी डाइजेशन बहुत स्लो हो जाती है, जबकि आप रेस्ट कंडीशन में हो तो डाइजेशन फास्ट होती है. तो इसलिए जो इंटायरिक नर्वस सिस्टम है दोनों के अंदर वर्क करता है, सिंपथैटिक में भी और पैरासिम्पथैटिक में. जबकि ब्रेन के फंक्शंस लिखे हुए हैं कुछ के ये अटैच होते हैं सेंसरी ऑर्गन से, प्रोसेसिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं. ठीक है, इसके अलावा वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल, स्केलेटल मसल को कंट्रोल कर रहे होते हैं. हीमोस्टेसिस यानी जो आपके कह लें कि आपका इंटरनल बैलेंस उसको कंट्रोल में रखते हैं. स्पाइनल कॉर्ड हो गया, वो मैसेज को बॉडी से ब्रेन तक लेके जाती है, मतलब बीच में एक रिले सेंटर का काम करती है. बाज़ का ये रिफ्लेक्स आर्क भी हमने एक बात की थी, रिफ्लेक्स आर्क भी ये जनरेट करती है. फिर ये गैंग्लियाज होते हैं, गैंग्लिया बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ होती हैं. ठीक है, यहाँ पे सेल बॉडीज़ होती हैं तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आगे कन्वे, रिले सेंटर होते हैं ये भी एक किस्म के. फिर नर्व्स हैं जो कि सेंसरी हो सकती हैं या फिर मोटर हो सकती हैं, और उसमें भी कुछ सोमैटिक होंगी जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ ऑटोनॉमिक हैं जो कि कंट्रोल नहीं होती, मतलब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं. सो इट वॉज़ ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. इसके ऊपर मज़ीद भी बहस हो सकती है, लेकिन अभी तक हम यहीं पर रहते हैं. हम सीधा आगे ब्रेन पे ट्रैवल करेंगे, ब्रेन की तरफ जाएंगे. सो ब्रेन क्या है बोला, ब्रेन जो सा है इट इज़ एन ऑर्गन. ठीक है, सबसे पहले आपकी बॉडी का ये एक ऑर्गन है, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ, ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, CNS. और CNS में वैसे दो पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. अच्छा, अगर हम ब्रेन की एनाटॉमी की तरफ जाएं, ठीक है, इफ़ वी डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन, एनाटॉमी से क्या मतलब है, इसका स्ट्रक्चर के बारे में जाएं, तो आपका फॉर एग्जांपल ये सर है. ठीक है जी, नोज में फॉर एग्जाम्पल ये जो भी बंदा है, सही, तो सबसे ऊपर इसके हेयर होते हैं. हेयर, हेयर के नीचे एक बोन होती है जिसे हम स्कल कहते हैं, स्कल खोपड़ी भी जिसे कहते हैं. ठीक है, बेसिकली अगर आपको स्केलेटल सिस्टम याद हो पीछे, तो इसके अंदर स्कल के अंदर काफ़ी बोन्स होती हैं जो आपस में फ्यूज़ होती हैं, इमूवेबल बोन्स के जॉइंट्स होते हैं. ठीक है, जिसमें फ्रंटल लोब था, पैराइटल लोब था, टेम्पोरल लोब था, इस तरह हमने पढ़ी थी सारी. खैर उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे. स्कल है, स्कल के अंदर जो से है ना,
कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है जी, तीन लेयर्स होती हैं बेसिकली। तीन मजीद कवरिंग होती है, इन्हें मेनिंजेस क्या है कहते हैं, मेनिंजेस। और फिर मेनिंजेस के अंदर ना एक कह लें कि फ्लूड होता है, फ्लूड का यानी किस तरह मैं बताऊँ, मतलब इसमें पानी भरा होता है, जिस तरह आपके ब्लड में प्लाज्मा होता है इसके अंदर फ्लूड होता है, जिसे हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड कहते हैं, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड, ठीक है। अच्छा, इन मेनिंजेस का और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है, कि मेनिंजेस जो से हैं वो क्या क्या करती हैं भला। मेनिंजेस का मैंने एक तो सबसे पहले तो जाहिर बात है लेयर है, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो नरिशमेंट होती है जितनी भी, यानी जो कह लें ब्लड है ना, वो डायरेक्ट ब्रेन तक नहीं जाता, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए कि ब्लड का कॉन्टैक्ट डायरेक्ट ब्रेन के साथ नहीं होता, बल्कि मेनिंजेस के पास ब्लड आता है, ठीक है। फिर ब्लड मेनिंजेस इस ब्लड को CSF में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी CSF वैसे किस तरह बनता है वो एक फर्दर डिटेल है, अलबत्ता मेनिंजेस के पास ब्लड आता है, ब्रेन के पास डायरेक्ट ब्लड नहीं जाता, ठीक है। तो मेनिंजेस इसकी प्रोटेक्शन करती हैं सबसे पहले ब्रेन की, ठीक है। फिर नरिशमेंट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। ब्लड से जितनी भी चीज़ें हैं मेनिंजेस पे आएंगे, मेनिंजेस CSF में ट्रांसफ़र करेगा, और CSF से फिर वो ब्रेन के सेल तक पहुंचती हैं, ठीक है। जितनी भी नरिशमेंट है उस तरह सप्लाई करती हैं। इसके अलावा मेनिंजेस जो से है वो एक कह लें कि कुशन प्रोवाइड करती हैं। कुशन का पता ही नहीं, जब आपकी कह लें कि सडन मूवमेंट होती है ब्रेन की, तो आपका ब्रेन डायरेक्ट हड्डी से नहीं टकराता, बल्कि बीच में CSF आता है और मेनिंजेस आ जाती हैं, ठीक है, जो कि उन्हें उसकी सडन कह लें कि इंजरी से बचाते हैं, ठीक है। तो CSF किस चीज़ का काम कर रहा है यहाँ पे, कह लें कि कुशन का काम कर रहा है, ठीक है, किस्म का कुशन ही कह लें आप, कि यानी जो डायरेक्ट सॉरी सडन जो जर्क आएंगे उसको उससे बचाएगा ये, ठीक है। और दूसरा ये बात द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ठीक है, यानी सिर्फ ब्रेन तक लिमिटेड नहीं होते, ये आगे नीचे तक ट्रैवल कर रहे होते हैं, थ्रू आउट स्पाइनल कार्ड ये ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ये मेनिंजेस हो गया और CSF थ्रू आउट स्पाइनल कार्ड जा रहे होते हैं, तो उसने मैनी जितने भी न्यूरॉन्स हैं जो कि CNS का हिस्सा हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, तो ये उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, उनको सपोर्ट देगा, ठीक है। उनके वेस्ट मटेरियल की रिमूवल होगी इससे, ठीक है जी, वेस्ट मटेरियल भी यही रिमूव करेगा, वेस्ट रिमूवल के अंदर भी CSF का ही रोल होता है, सही। और ये बना किससे होता है, बेसिकली ये ब्लड से बना होता है, सही। तो ज़्यादा यानी कोई डिफरेंट चीज़ नहीं होती, बस ब्लड में से सेल्स ये निकाल लेते हैं, मतलब वाइट सेल्स नहीं होते, रेड सेल्स नहीं होते, और इसकी डायरेक्ट कह लें कि CSF के अंदर जाती हैं, मतलब प्लाज्मा इसमें इन्वॉल्व होता है, ओके। तो ये हो गया आपका CSF और मेनिंजेस के बारे में। अब हम थोड़ी सी ब्रेन की एनाटॉमी स्टडी कर लेते हैं। सो ब्रेन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, इसके अंदर ये पार्ट्स होते हैं, थोड़ा सी डायग्राम बड़ी कर देता हूँ, सही। नंबर वन जो ये बड़ा सा आपको नज़र आ रहा है ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर ये काफ़ी कह लें कि कलवैन सी मरोड़ से पड़े हुए हैं, ठीक है, और इसे सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं, ठीक। फिर उसके पास एक ये कॉमा शेप कह लें एक है, इसे कॉर्पस कोलोसम, ठीक है। फिर बीच में वेंट्रिकल्स होते हैं, इसके हर एक का फंक्शन हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, फिलहाल हम इनकी सिर्फ एनाटॉमी स्टडी करें, ठीक है। फिर उसके बाद आपके सामने फोर्निक्स है, थैलेमस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, थैलेमस के बारे में बात करेंगे हम। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड वैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये एंडोक्राइन के अंदर आता है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर हमें छोटा सा एक पी शेप का मिलता है, सही, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड छोटा सा है। और उसके बाद पोन्स हैं, ये बड़े सारे जो से हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, जहाँ से कह लें कि पोन्स से नीचे मिडोला ओब्लोंगटा होता है, मिडोला ओब्लोंगटा के बाद स्पाइनल कार्ड स्टार्ट हो जाती है, और ये थ्रू आउट बॉडी नीचे रन कर रही होती है, सही। और
आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी के अंदर से जा रही होती है बिल्कुल ये। और दूसरा फिर सेरिबलम है जो कि इस साइड पे है, सही, ये सेरिबलम है। फिर ये जो 11वां है ये मिड ब्रेन है, ठीक है, छोटा सा मिड ब्रेन है ह्यूमंस के अंदर। ये बर्ड्स के अंदर बड़ा होता है मिड ब्रेन, ह्यूमंस में छोटा होता है, क्यों होता है उसके बारे में भी बात करेंगे हम। इसके अलावा अगर हम इसका चारों तरफ से देखें ब्रेन सरफेस एनाटॉमी, तो ये आपको इस तरह नज़र आएगा, ठीक, कि अगर आप, ये इसकी फ्रंट साइड है, ठीक है, और ये इसकी बैक साइड है, मतलब ये और ये दोनों बैक साइड है, सही। तो इस तरह आपको बीच में अगर आप देखें, जो सा ऊपर हमने बात की थी किस चीज़ की, बोला सॉरी मैं भूल गया, सेरेब्रल हेमिस्फेयर की, तो हेमिस्फेयर से क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक तो आधा स्फेयर होता है, ठीक है, स्फेयर से मुराद जिस तरह गेंद है तो आधी गेंद हो, और दूसरा इसके दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है, सही, लेफ्ट साइड और राइट साइड, और तकरीबन एक किस्म के रेप्लिका होते हैं, जिस तरह हमने अगर याद हो प्लेनेरिया का हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, तो उसमें भी दो गैंग्लिया थे, सेरेब्रल गैंग्लिया, ठीक है, इस तरह यहाँ पे भी एक किस्म के दो पार्ट्स हैं ब्रेन के। और मज़ीद इसके अगर हम देखें, अगर हम इसके जो हेमिस्फेयर है उसकी बात करें, तो इसमें लोब्स बनती हैं, ठीक है, नहीं, हेमिस्फेयर को हम चार लोब्स में डिवाइड कर देते हैं, फ्रंटल लोब में, पैराइटल लोब में, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब। बिल्कुल जिस तरह स्कल की बोन्स थी, अगर आपको कुछ याद हो जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, सॉरी पिछले चैप्टर के अंदर, उसके मुताबिक फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, बकाया है सेरिबलम जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, स्पाइनल कॉर्ड जो आगे रन करेगी थ्रू आपका वर्टेब्रल कॉलम के साथ, फिर ये ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम यहाँ पे आप कह लें कि इसे मिड ब्रेन भी कहा जाता है बॉस का, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा है अभी, और ये सारा सेरिब्रम है, ठीक है, सेरिब्रम भी कहते हैं इसे, सेरिब्रल हेमिस्फेयर भी कहते हैं, दोनों नाम इसी के हैं। सो ये हो गया ब्रेन की एनाटॉमी, और हमने थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम। कल हम ब्रेन के पार्ट्स के लिहाज से, यानी यानी बेसिकली ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, तीन सॉरी, कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे आगे, जो फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और लास्ट में हाइंड ब्रेन, ठीक है। चलें इसके मज़ीद जो स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।